संभल में रविवार की रात को खाबरी भोला में बदमाशों ने सादी के घर में कूमल लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। संभल थाना असमौली क्षेत्र की मदन चौकी के अंतर्गत शनिवार की रात में गांव के बाहरी छोर पर बने राजवीर सिंह के मकान में चोरों द्वारा घर की पिछली दीवार में नकब लगाकर घर में घुसे चोरों ने सोने चांदी के आभूषण, 1 लाख की नकदी सहित कीमती कपड़े के साथ लगभग 4,50,000 रुपए की चोरी को अंजाम दिया। गांव के बाहरी छोर पर राजवीर सिंह पाल का घर बना हुआ है, जिसमें वह अपनी पत्नी और बेटी और 3 बेटों 2 बहुओं के साथ रहते हैं। बड़ा बेटा संजय पाल कहीं रिश्तेदारी में गया हुआ था। राजीव सिंह अपने 2 छोटे बेटों को लेकर खेत पर ट्यूबवेल से खेत में पानी चला रहे थे, तभी घर में राजवीर सिंह की पत्नी अपनी बेटी और 2 बहुओं के साथ घर के आंगन में कमरे बंद करके सो रहे थे। तभी कमरे में कूमल काटकर चोरों ने पूरे घर को तसल्ली से खंगाला। उसमें दोनों बहुओं की शादी में मिला सोना, जेवरात के साथ साथ महंगे कपड़े भी चोर ले गए। क्या नाम है तुम्हारा? शकुंतला जी। शकुंतला कौन सा गांव है? खाबरी भोला। खाबरी भोला कौन सा थाना लगता है? असमौली। और चौकी? मढ़न। अच्छा, क्या हुआ था, क्या मामला हुआ था आपके यहाँ? ये सब 12 बजे के बाद चोरी हुई है हमारे घर में। रात? हाँ रात। अच्छा, मतलब तुम्हारे किसी को मतलब पता नहीं चला? कोई मतलब नहीं, कोई ना था, हम बाहर सो रहे थे। अच्छा, चोरी कहाँ पे हुई थी? ये बाडून में बाहर पिछवाड़े से इस हाथ को। अच्छा, ये बाएं हाथ को। अच्छा, तो लगभग कितना मतलब क्या क्या सामान चोरी हुआ? बहुत, कई तोला सोना है। अच्छा, कैसा मतलब शादी का था क्या? शादी का है, दोनों का, दोनों का। और लगभग चांदी है? बताओ, चांदी होगी 8-9 तोला से ज्यादा। आज कुछ कम बताइए, आधे किलो चांदी है, 1 किलो चांदी है। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक पाल। अच्छा, कौन सा गाँव है? खाबरी भोला। थाना कौन सा लगता है? असमौली। और चौकी? मड़न। अच्छा, क्या वाक्य हुआ तुम्हारे यहाँ? रात लगभग 12 बजे के आसपास हम तो थे गेट पे, हम चर्सिंग मर रहे थे, मैं, मेरा छोटा भाई, पापा, मम्मी हमारे गेट पर सो रहे थे बाहर, सिस्टर और भाभी हमारी बाहर सो रही थी बरामदे से बाहर। कमरे के किवाड़ लग रहे थे, ताला लगा था, पीछे से कोमल काटा कमरे के पीछे से और सब सामान लेकर निकाल गए। क्या क्या लेकर गए? लमसम है 7 चीज़ें सोने की हैं और 8-9 चीज़ें चांदी की हैं और लमसम 1 लाख रुपए कैश था हमारा इस पे कमरे में, और सारे कपड़े ले गए, जो भी शर्ट सूट साड़ी वाड़ी जूती सब कुछ ले गए। तुम्हारी मम्मी बता रही शादी मतलब शादी वादी भी थी? हाँ, शादी थी, शादी के लिए तो सिस्टम बना रखा। अच्छा, था हमने सब। लगभग कितना मतलब कितना हो गया होगा? लमसम सिस्टम था हमारा सब बन हुआ 4-4.5 लाख रुपये का। हाँ, अच्छा। तो आपको मतलब रात को फिर पता कैसे पता चला आपको? फिर मैं सुबह पता चली है, सुबह जब सब लोग गोबर ओबर डालने के लिए आए हैं तो जब गांव में तो पड़ोस वालों ने बताया घर पे आ गए, बोले आपकी दीवार कटी हुई है, और तब जब सब जने जगे हम, जगने के बाद तब देखा जाके। तो इसकी तहरीर दी? तहरीर देने जा रहे हैं थाने। अच्छा, सुबह को पुलिस को बुलाया? सुबह पुलिस आई थी। क्या कह रहे? वो तो आए थे और छानबीन करके और वापस चले गए। 2-4 दिन के माहौल बोलो। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।